हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू अनअकैडमी। हाउ आर यू? जल्दी से मुझे बता दीजिए। आई एम ऑडिबल टू यू कंप्लीटली? टेल मी, आई एम ऑडिबल टू यू? चलिए गाइस, ज्योति तिवारी, हेलो मैम, हेलो देवान सिंह, वेलकम रोहित, हेलो मैम रोहित, यस देवांश, नो मैम, स्क्रीन क्लियर नहीं है आपको? अभी क्लियर है? यशीर खान, हाय, हेलो, वेलकम टू अन एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा साल्ट एक्ट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके गाइस, सो फटाफट से आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ऑडिबल हूं, आप मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अलोंग विद अन अकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। देखिए आपको क्या मिलेगा हमारे साथ, टॉप एजुकेटर्स तो हैं ही आपके साथ, आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा, ये आज आप जब क्लास कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? तो देखिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन। ओके, आपको और क्या बेनिफिट मिलेंगे? आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जहां पर आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा प्रिलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू, और साथ में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि सारा का सारा आपको जो भी कुछ पैटर्न है सब एक साथ ही मिलेगा, अलग अलग कुछ नहीं करने की जरूरत। लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस। आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सारे जो है एक्सेस मिल जाएंगे कोर्सेज के। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा हमसे जुड़ने के लिए। ये मेरे बारे में है, माई सेल्फ इज किरण, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, टू टाइम्स यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू विद पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, 5 years teaching experience, excellent command on writing skill. My teaching subjects are history, international issue and governance issue. This is my contact. If you had any doubt, you can send me only message. Only message. ठीक है, आप मुझे रेफरेंस देके बताएं कि आपने जो है कौन सा वीडियो देखा और कहां पर आपको क्या डाउट है। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं पीडीएफ डालती हूँ, ठीक है, आपके साथ। और किरण स्लैश आईएएस एजुकेटर, दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल, आप मुझे यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये आप देख पा रहे हैं, टॉप 100+ एजुकेटर्स आपके लिए हैं, जो कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं, इनका सब्सक्रिप्शन आपसे थोड़ा सा ही दूर है। सुदर्शन गुर्जर है, मृणाल पटेल है, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी सर, और जो है आशीष मलिक, इन सब के कोर्सेज आप हायर कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यहाँ पर पूरा डिजाइन किया गया है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए। ठीक है, आप ये सारा कुछ जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपके अकॉर्डिंग ही है, आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, 1 month, 3 month, 6 months एंड 12 months। चूंकि यूपीएससी एक बहुत ही टाइम टेकिंग एग्जाम होता है, तो आपको चाहिए कि आप यूपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले या आइकॉनिक। देखिए, इसके लिए क्या है, ये 8 पैरामीटर्स डिजाइन किए गए हैं,
लाइव क्लासेस, अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ठीक है। अगर आप प्लस ले रहे हैं तो 12 मंथ्स का 44,000 फी है। आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं किरण वन, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 साल का यानी कि 24 मंथ्स का लेते हैं तो 64,000, फिर से किरण वन इस्तेमाल करेंगे आप मेरा कोड तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। ओके, ये देखिए आपके लिए एकदम नया इनिशिएटिव हम लेके आए हैं, आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक यूपीएससी सीएसई प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको इन चारों के अलावा ये पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लान और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। आपको जैसे एक पर्सनल कोच अलग से दिया जाएगा और एक मैं भी रहूंगी, इसका भी सेम 12 मंथ्स 24 मंथ्स फी है, 12 के लिए 64,000, आप मेरा कोड इस्तेमाल करके 10% गेन कर लेंगे, राइट। और फिर 24 मंथ्स 99,000 फी है, आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। चलिए गाइस हम लोग अपने सिलेबस पर बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सिलेबस, मैंने कई बार जो है आपको, मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट से जो है सिलेबस एक बार गो थ्रू होइए, राइट, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, सुबह की क्लास में तो काफी आए थे आप, अभी भी आ जाइए फटाफट से, आपकी क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। तो चलिए गाइस, सिलेबस है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो कोर्स है गाइस, इसको मैंने स्पेशल क्लास के अंतर्गत करवा रही हूँ मैं, ठीक है। स्पेशल क्लास जो हमारी होती है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है, मैं उसका लिंक अपने ग्रुप पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो ये वाला पूरा सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पर चल रही है लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक मैं शेयर करती हूँ, आज सेकंड क्लास थी। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपका ये वाला सीरीज चलाया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में कोर्स में दे रखा है वेरियस स्टेजेस, कितनी स्टेज हैं मैं फिर से बता दूं, हमारा जो नेशनल मूवमेंट है फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी 3 स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज थी मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट्स। सेकेंड है हमारा एक्सट्रीमिस्ट्स का था, और थर्ड था हमारा गांधीयन इरा, ठीक है। तो आज ये हमारा गांधीयन इरा सीरीज का 4th लेक्चर है गाइस, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है, आप एक बार उनको जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, ठीक है, 6 लेक्चर होंगे टोटल इस पर, उसके बाद फिर मैं फ्रीडम स्ट्रगल का मॉडरेट फेज शुरू करूंगी, फिर एक्सट्रीमिस्ट, ये आपको दोनों एक साथ कराऊंगी मैं, ठीक है। गांधीयन इरा जो है हमारा खत्म हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था सीडीएस 2019 का जो पेपर हुआ था, सॉरी 2020 का जो पेपर हुआ था सीडीएस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम क्लोराइड मूवमेंट निम्नलिखित में से किस पर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है साल्ट का, ठीक है, केमिकल। तो इस तरीके से जो है देखिए, साइंस में लपेट के, हिस्ट्री को साइंस में लपेट के पूछा था, ठीक है। तो यूपीएससी इज वेरी इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस, जहां पर नए नए इंस्टीट्यूट जो है इनोवेशंस होते रहते हैं, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशंस उनके पास होती है, तो दे कैन आस्क यू इन एवरी पॉसिबल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो जैसा भी पॉसिबल होता है वो आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछ देंगे, ठीक है।
पूजा मिश्रा, आयुष द्विवेदी, ज्योति तिवारी, राजकुमार, हेलो, सबका वेलकम है अनअकैडमी पर, राइट? तो आप फटाफट से आए गाइस, हम लोग आज देखना आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, राइट? तो फटाफट से आइए गाइस। देखिए, जो आज की क्लास का जो टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक करेंगे। वैसे तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है साल्ट सत्याग्रह और सीडीएम, यानी कि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, इसे कहते हैं नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले कुछ इवेंट भी हुई थी, ठीक है, समकालीन इवेंट, कुछ ऐसी इवेंट्स भी हुई थी, तो उन पर हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। सो हैव ए लुक ऑन द स्क्रीन गाइस। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, और साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की नहीं थी, मोतीलाल की थी, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय होम, तो मोतीलाल इनके फादर थे। देन आएगा आपका रिजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इससे दो बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 3 साल के अंदर ही, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रिपीट भी होता है 2 times, इसका रेलिवेंस 2 times जो है ये रिपीट हो चुका है यूपीएससी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे साल्ट एक्ट एंड दांडी मार्च, फिर हम लोग करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 conference हुए थे ना, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 एक साथ लिख दिया है। उसके बाद एक कॉम्युनल अवार्ड आया था, वी विल कवर दैट थिंग, राइट। फिर पूना पैक्ट आया था जो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ऑगस्ट ऑफर आया था, क्रिप्स प्रपोजल और मिशन, एक ही बात है, ठीक है। तो गाइज आज हम लोग कहाँ तक करेंगे, हम लोग पूना पैक्ट तक करेंगे। अगली जो मैं क्लास कराऊंगी फिर उसको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से शुरू करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी देखते हैं, ठीक है। सृष्टि कुमारी गुड आफ्टरनून, आनंद गुड आफ्टरनून, ऋषभ ऋषभ ऋषभ, पूजा, आयुष द्विवेदी, ठीक है, यू ऑल आर वेलकम। और जो है कॉपी पेन लेकर आप क्लास अटेंड करें, समझ में आया, तो फटाफट से आए बेटा, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था जब चौरी चौरा की इंसिडेंट हुई थी फरवरी 1922 में, ठीक है। तो यही से हम लोग आज की क्लास शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, तो उसके बाद हमारी हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंज हुए, है ना। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ था वो हुआ था स्वराज पार्टी का बनना। अब ये स्वराज पार्टी क्या थी, किसने बनाई, कैसे बनाई, इसका क्या बैकग्राउंड था, ऐसा क्या हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं, मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, चौरा चौरी की इंसिडेंट से क्या हुआ था, 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था तो इससे जो कांग्रेस में लीडर थे, गांधी जी तो अरेस्ट होके जेल में चले गए थे, उनको तो जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। तो 1922 में जेल चले गए थे गांधी जी। तो यहाँ पर देखिए, जब वो जेल चले गए तो कांग्रेस के जितने भी दूसरे लीडर्स थे उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हो गए, कुछ ओपिनियंस उन्होंने बनाई, है ना। कभी कुछ कहने लगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, वो क्या कुछ कह रहे थे इसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। तो कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ ओपिनियंस, उनकी डिफरेंट ओपिनियंस बन गई और पार्टी जो है क्या हो गई, दो ग्रुप में बट गई, राइट। तो पार्टी दो ग्रुप में बटी तो क्या कहलाए, एक हो गए चेंजर और एक कहलाए नो चेंजर्स, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था गाइज कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए गए थे, और वो क्या प्रोग्राम थे कि भाई बायकॉट ऑफ स्कूल, बायकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी के विधान परिषद, विधान सभाएं,
ठीक है भाई, आप विधानसभाओं का भी बहिष्कार करोगे, आप स्कूलों का भी, आप कॉलेजेस का भी, आप कोर्ट का भी, आप सबका जो है बहिष्कार करेंगे। तो यहां पर गाइस जो ये चेंज आया था ओपिनियन में, वो आया था लेजिस्लेटिव एंट्री को लेकर, ठीक है। तो जो ये डिसएग्रीमेंट था यहां पर, ये काउंसिल एंट्री को लेकर, यानी के कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लीडर्स ऐसे थे जो काउंसिल एंट्री को लेकर अलग हो गए। तो इस कोर्स ऑफ प्रोग्राम में वो ये चाहते थे कि भाई काउंसिल एंट्री होनी चाहिए, चेंजर यानी कि जो चेंज चाह रहे थे कि इस बात में अब जो है चेंज किया जाए, या तो एंड किया जाए या अमेंड किया जाए। तो काउंसिल एंट्री, पहले प्रोग्राम क्या बना था जब ये लोग शामिल हुए थे, कि हम लोग जो है यहां से इस्तीफा दे देंगे, कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब जब ये मूवमेंट खत्म हो गया, तो जो है यहाँ पर ग्रुप्स में एक चेंजर बन गया। तो चेंजर क्या चाह रहे थे, चेंजर काउंसिल एंट्री चाह रहे थे, और नो चेंजर क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि वैसे ही रहे, नॉन कॉपरेशन बायकॉट, सेम जैसे अर्ली जो है डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ, उसको वापस ले लिया गया, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के लीडर दो ग्रुप में बट जाते हैं, एक चेंजर्स और नो चेंजर्स। और किस इशू पर क्या इशू आता है, काउंसिल एंट्री वाला इशू आता है कि भाई हम तो वहां जाएंगे। अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि वो जो है क्या चाहते थे। देखिए, जो चेंजर्स थे यानी कि बदलाव जो चाहते थे, भाई ये चीज में बदलाव आए, चेंजर्स वॉन्टेड टू एंड द लेजिस्लेचर बायकॉट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। वो चाहते थे कि जो हमने लेजिस्लेचर का बायकॉट किया था, उसको खत्म किया जाए और हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ओके, दे वॉन्टेड टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के काम में बाधा डालेंगे। तो ये भी एक तरीके से प्रोटेस्ट ही होगा, ठीक है भाई। हम यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर बैठ के, वहां जाएंगे तो हम उनके काम को ज्यादा बेटर वे में प्रोटेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, लेकिन जो नो चेंजर्स थे, वो चाहते थे कि बायकॉट और नॉन कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सेम बना रहे जैसे पहले था, ठीक है। तो ऐसे लीडर कौन थे जो जो नो चेंजर यानी कि जो पहले के साथ ही थे, वो कोई बदलाव नहीं चाहते थे। तो उसमें जो है हमारे लीडर हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो ये बड़े नेता थे जो इस चीज में बदलाव नहीं चाहते थे, यानी कि एज इट इज जैसी सिचुएशन थी। तो अगर वो कोई चेंज नहीं चाहते थे, तो मूवमेंट भी नहीं था, वो कोई चेंज भी नहीं चाह रहे थे। तो एक्चुअली व्हाट दे वांट, तो वो चाहते क्या थे, इन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, दे एडवोकेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। तो हम कुछ ऐसे रचनात्मक काम करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे देश का वेलफेयर हो, बेनिवोलेंट काम करते, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे यानी कि हम विधानसभाओं में जाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स जो है नेग्लेक्ट होंगे। और कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क बेसिकली थे, इट इंक्लूड्स नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ खादी एंड चरखा। आप कुछ ऐसे काम करिए जिससे देश की इकोनॉमी को, सोसाइटी को, एजुकेशन के फील्ड में जो है बेनिफिट हो। हम अपने लिए ही, अपने देश के लिए ही कुछ इस तरीके का जो है कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, ठीक है। तो जो नो चेंजर्स थे, उन्होंने फोकस किया कंस्ट्रक्टिव वर्क्स पर, लेकिन जो चेंजर थे, उन्होंने फोकस किया काउंसिल एंट्री पर। तो यहां से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, ठीक है, जो है होती है। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क थे ना, जो इन्होंने बनाए थे, आगे चलकर जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन्होंने ये मूव करेंगे ना, तो वहां पर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। बहुत सारे आश्रम बनाए, बहुत सारे हॉस्टल्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बने, काफी खादी ग्राम उद्योग जो है इस तरीके के जो है इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया है ना। और भी बहुत सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी के, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए देवर फोकस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा कि हाउ द लीडर्स वर डिवाइडेड एंड व्हाट वर देयर अप्रोच। ओके,
So on whom the changes are focused, on whom the no changes are focused. So I think you have a clear message about it, right? So come on. अब यहाँ पर देखिए, 1922 में ही गया में, ठीक है, दिसंबर में सेशन होता था इनका, तो गया में, गया कहाँ है, बिहार में है, तो गया में कांग्रेस का सेशन होता है, सी आर दास यानी कि चितरंजन दास, जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उस सेशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मतलब प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि भाई प्रपोजल तो वहां से तो पास होना चाहिए, तभी तो उस काम को आगे मिलेगी एंट्री कुछ, कि भाई हम काउंसिल में एंट्री करेंगे। तो वो जो है सी आर दास, वैसे भी वो प्रेसिडेंट थे, तो अब से क्या था, जब से 1885 से जब से कांग्रेस बनी थी, तो ये जो भी मूवमेंट करते थे, जो भी इनका कोर्स ऑफ एक्शन हुआ करता था, ये सबका सब जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उसको अप्रूव किया करते थे, फिर उसका प्रोग्राम बनाया जाता था, तब उसको फाइनली और फॉर्मली उसको लॉन्च किया जाता था, राइट। अब यहाँ पर सी आर दास जब ये प्रपोजल लेकर आए कि इसको पास किया जाए, बिकॉज वी वॉन्ट काउंसिल एंट्री, लेकिन यहाँ पर इनको क्या मिली, हार मिली, क्योंकि बहुत कम लोग थे ये और मेजोरिटी ज्यादा थी, ये लोग माइनॉरिटी में आ गए, तो ये हार गए, ठीक है। तो जब ये हार गए तो इन्होंने क्या किया, दास, सी आर दास एंड अदर लीडर्स रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस। तो इन्होंने क्या किया कि जब आप हमारे विचारों की कदर ही नहीं कर रहे हैं, जब आप हमारे साथ हैं ही नहीं, जब आपने हमें हरा दिया, आप हमारे बात प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें रह के क्या करेंगे, एंड दे रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है। और जैसे ही रिजाइन दिया तो कौन सी पार्टी बनी, तो स्वराज पार्टी का उन्होंने गठन किया, इसे कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी, कांग्रेस खिलाफत, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी ना ये, ठीक है, तो इसे कांग्रेस खिलाफत कमेटी भी कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है इसको, इसको कांग्रेस खिलाफत कमेटी भी स्वराज पार्टी। राइट और बाद में जो है सी आर दास जो है इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और मोतीलाल नेहरू क्या बने, सेक्रेटरी बने, मोतीलाल नेहरू क्या बने, सेक्रेटरी बने, ठीक है। अब देखिए जो स्वराज पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन से थे, एनसी केलकर थे, ये तीनों थे, सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और एनसी केलकर थे, हुसैन सईद थे, सुहरावर्दी थे और सुभाष चंद्र बोस भी थे इसमें, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ थे। आप प्रॉपर ऑडिबल हूं ना, मैं आपको दिखाई तो दे रहा है ना, सुनाई भी दे रहा होगा, तो चलिए गाइस लेट्स मूव। ये तो था, ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंसिडेंट पर मूव करते हैं, साइमन कमीशन, ठीक है, तो साइमन कमीशन पर मूव करते हैं। साइमन कमीशन के बारे में किसने किसने सुना हुआ है गाइस, बताइए फटाफट से मुझे, आपने साइमन कमीशन के बारे में क्या क्या सुना हुआ है, ओके, तो बताइए साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन कब आया था बताइए मुझे, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से, बताएं मुझे, यस, 1928, वेरी गुड शिफा, 1928। देखिए साइमन कमीशन का एक बैकग्राउंड समझिए गाइज आप, ठीक है, देखो जो ये साइमन कमीशन आया था ना, इसके आने के पीछे एक कारण था, और वो रीजन क्या था, जब
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया ना, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, ठीक है। जब ये आया था तो इसमें एक प्रोविजन किया गया था कि हम हर 10 साल में, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आज हमने 1919 एक्ट बना दिया है, तो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स यानी कि 1929 में 10 साल हो जाएंगे, तो 1929 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को भी, कैसे वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसकी उसकी फंक्शनिंग को, उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे। अब ये आना था 1929 में, लेकिन ये आ गया 28 में, एक साल पहले आया, ठीक है। तो ये एक साल पहले आया, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, साइमन कमीशन की रूट, द रूट्स ऑफ साइमन कमीशन आर लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कई बार पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन का आना निम्नलिखित में से किस एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइज, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो 10 साल बाद रिव्यू करना था, तो इसके प्रोविजन के बदौलत ही इसको, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन जो आया था, ये बेसिकली था क्या, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटेन हु वाज सेंट टू इंडिया इन 1928 टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। ये देखने आया था, इसका बेसिक पर्पस क्या था, ये देखने आया था भारत में कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कौन से कानूनों की जरूरत है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने आया था। मतलब हमारा देश और दूसरे विदेशी लोग जो है आकर हमें बता रहे हैं कि तुम्हें कौन से कानून की जरूरत है, तुम्हें कौन से लॉस चाहिए पॉलिटी की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको कौन से लॉस चाहिए, ठीक है। तो रिकमेंडेशन करेगा, भाई ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, राइट। अब इसको साइमन कमीशन नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इसका जो कमीशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन। तो साइमन के नाम से ही इस कमीशन को क्या नाम दिया गया, जॉन साइमन। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी बॉडी थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन। अच्छा, मुझे ये बताइए, लॉ में, एक्ट में और स्टैट्यूट में क्या फर्क होता है, बताइए, लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट, क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो लॉ होता है, देखो, एक्ट तो वो हुआ जब बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट के साइन हो गए, तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। और जब ये एक स्टैट्यूटरी बुक में लिखा जाता है और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है एक्ट पास होने के बाद, तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। और स्टैट्यूट होता है जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, और स्टैट्यूट बुक में लिखा होता है तो उसे स्टैट्यूट्स कहते हैं। कोई भी फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए या उनके बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो वो स्टैट्यूट कहलाता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, एक्ट में और लॉ में, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। स्पीक इन इंग्लिश, but there are so many students who belong to Hindi, that's why. Okay, I will try. आपके इंग्लैंड में जो सरकार थी उसने अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, एग्जैक्टली, एक्चुअली वहां पर जो है कंजर्वेटिव पार्टी, वहां पर इलेक्शंस होने वाले थे और कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो जाने वाली थी और लिबरल पार्टी आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि इंडिया जैसी कॉलोनी को वो अपने हाथों से खोना नहीं चाहते थे। तो पार्टी जो है, सत्ता चेंज होने वाली थी, राइट, इंग्लैंड में, जिसकी वजह से साइमन कमीशन को भेज दिया था। अब बताइए गाइज, रिएक्शन क्या था इंडिया का, इंडियन रिएक्शन क्या था, क्या कैसे रिएक्ट किया इंडिया ने
ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया, सबसे बड़ा रीजन था नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ रिएक्शन। और इतना बड़ा रिएक्शन आया था ठीक है कि मतलब बैंड बजा दी थी इन लोगों की। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, हैंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिट रिएक्शन केम फ्रॉम इंडियंस, राइट। सो ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड पीपल बायकॉटेड द कमीशन। दे हैव गिवन अ स्लोगन, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। उन्होंने जो है क्या किया, सभी पूरे पूरे के पूरे इंडिया ने जो है इसको अपोज किया। पार्टीज थी, कांग्रेस पार्टी थी और जो है मुस्लिम लीग थी, और भी जितनी भी छोटी मोटी सी रीजनल और नेशनल अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे ऑल हैव रिएक्टेड अगेंस्ट इट, साइमन गो बैक। ओके, अब जब साइमन गो बैक के नारे निकाले गए, काले झंडे दिखाकर जो है उसको जो है इंसल्ट किया गया, साइमन गो बैक, हम जो है आपको टॉलरेट करने वाले नहीं, आप होते कौन है हमारे लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने वाले, वी इंडियंस एंड वी विल डिसाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल नॉट। ओके, अब जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जुलूस निकाले गए, द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्जेस। पुलिस ने जो है लाठी चार्ज के ऑर्डर दिए, एक मूवमेंट चल पड़ा था, एंटी साइमन कमीशन जो है एक पूरा मूवमेंट चला, और उस मूवमेंट को दबाने के लिए लाठी चार्ज का ऑर्डर हुआ ठीक है। यानी कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हुआ करते थे, पंडित नेहरू वर नॉट इवन स्पेयर, यानी कि उन तक को नहीं बख्शा था। और लाहौर में तो क्या हुआ था, ये तो आपको पता ही है, इन लाहौर लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, उनके ऊपर तो कितना बुरा लाठी चार्ज हुआ था, बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी ठीक है। और इन्हीं की डेथ का जो है रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त ने सॉन्डर्स को गोली मारी थी, जो उस टाइम पे असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था ठीक है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस, आईपीएस आप कह सकते हैं, उस टाइम पे आईपीएस था सैंडर्स ठीक है। ही वाज किल्ड बाय, और सरेंडर भी कर दिया था उसके बाद ठीक है। तो यही है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928 में जो हुई थी ठीक है। इसी के लिए जो है उनको फांसी की सजा भी हुई थी, भी एक आईपीएस को मारा था। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। यस यस यस, मार दिया। राहुल कुमार लिख रहे हैं, हिंदी का छात्र हूं, हिंदी में लिखा चाहिए। बेटा हिंदी में सिलेक्शन रेशो नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इस बारे में, कोई सिलेक्शन रेशो नहीं है हिंदी मीडियम में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए गाइस ठीक है। आप डाउट लिखिए, देखिए बेटा यूपीएससी में अगर आप कोशिश करें मीडियम इंग्लिश ही रखे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए ठीक है। हिंदी मैटर ना तो मेरे पास है और ना मैं पढ़ाती हूँ और ना मुझे आता है ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून विकास मिश्रा। आउटकम्स के ऊपर देखते हैं, बात करते हैं, आउटकम क्या था, क्या रिजल्ट निकल कर आया साइमन कमीशन का ठीक है। तो साइमन कमीशन का क्या रिजल्ट था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 2 वॉल्यूम में आई 1930 में ठीक है। और फिर इन्हीं रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए जानते हैं क्या हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 ठीक है। तो जो ये रिपोर्ट्स आई थी ना कमीशन की, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जो पब्लिश हुई थी, गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, ये पब्लिश हुई थी, और फिर इन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए गए थे राइट। निशत निशु वेरी गुड आफ्टरनून। पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये स्लाइड्स एकदम
अब फिल्टर करके मैटर लेके आती हूँ, राइट, ताकि आपको बेनिफिट हो। और इसके बाद इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, अबोलिशन ऑफ डायार्की। डायार्की मीन्स रूल ऑफ टू, डाई प्लस आर्की। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, बेसिकली जो इनके सब्जेक्ट हुआ करते थे उनको दो बार पार्ट में पार्ट दिया था। जैसे आज हमारे सब्जेक्ट डिवाइडेड है, कितनी लिस्ट में, कितनी लिस्ट है जिन पर लॉ बनता है, कितनी लिस्ट है हमारी आज, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये सब्जेक्ट है जिन पर जो है गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कोई भी ऑर्डर पास करती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, जो ये डायरकी हुआ करती थी ना, यहाँ पर दो तरह के सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक हुआ करते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मेन वाले थे, ट्रांसफर थोड़े से मेन वाले नहीं थे, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट थे। रिजर्व सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंस, मिलिट्री, जस्टिस, जेल, ठीक है। और यहां पर हुआ करते थे सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो आती है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। देखिए, इनके लिए एजुकेशन, एग्रीकल्चर ट्रांसफर सब्जेक्ट था, यानी कि लेस इंपॉर्टेंट। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो बेसिकली ब्रिटिश मिनिस्टर्स के पास हुआ करते थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंडियन मिनिस्टर्स के पास हुआ करते थे। तो ये मिनिस्टर थे। अब आज के सिनेरियो में आप देखिए, जो मिनिस्टर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट जिनके पास थे वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ब्रिटिश थे ना ये, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी। सारे मेन सब्जेक्ट, दे आर द होल्डर ऑफ मेन सब्जेक्ट्स, फाइनेंस, ओके, डिफेंस, बट दे वर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे दे आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इंडियन थे ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल। वसुंधरा मिश्रे, वॉर्म गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू, यू टॉट वेरी नाइसली, एक्सप्लेन वेरी वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। माई पर्पज इज जस्ट टू गिव यू बेस्ट, ओके, एंड माई लैंग्वेज इज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इवन यू कैन कोट दीज थिंग्स इन योर मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो गाइज, ओके। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। श्रीनिवास अय्यर, मैडम कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड्स, वुड हेल्प द सेशन गो फास्टर एज वेल एज गुड फॉर फ्यूचर रेफरेंस फॉर अस। ऑब्वियसली आई विल शेयर ऑल द स्लाइड्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल kiran/IAS educator, यू कैन फॉलो मी, राइट। ऑल्सो टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर न्यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग टू मी फर्स्ट टाइम, ओके। सो दीज आर सम रिकमेंडेशंस, एंड ऑफ कोर्स द साइमन कमीशन लेड टू द फॉर्मेशन और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके। जो ये एक्ट आया था, इस एक्ट में बर्मा को भी इंडिया से अलग कर दिया गया था, ओके। सिफा यू, सो कंटिन्यू विद मी। फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937, सो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दीज थ्री थिंग्स, ओके। दीज आर मोर देन सफिशियंट फॉर टुडे, मीन्स आई मीन्स फॉर साइमन कमीशन, सॉरी। सो वी आर नॉट गोइंग टू फिनिश आवर सेशन नाउ, वी विल कंटिन्यू इट। सो मेनी स्टूडेंट्स आर न्यू, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स आर वेलकम एंड फोकस ऑन द क्लास, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग नोट्स, द आई विल प्रोवाइड यू स्लाइड्स, राइट, बट यू हैव टू राइट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अलॉट। ज्योति तिवारी इज न्यू, पूजा मिश्रा इज न्यू, न्यू न्यू, सो मेनी, राइट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ मेनी थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, राइट, देन वी हैव कंप्लीटेड साइमन कमीशन, नाउ वी आर ऑन नेहरू रिपोर्ट, ओके। सो टेल मी हु प्रेजेंटेड नेहरू रिपोर्ट, टेल मी फास्ट,
Who presented Nehru report? It's by Jawaharlal Nehru or by Motilal Nehru. जो बच्चे मुझे ये बोलते हैं मैम हम हिंदी के हैं तो वो इंग्लिश में पढ़े बिकॉज इट्स माई ऑर्डर. ओके सो देखिए यहां से देखिए एक बैकग्राउंड है. यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं कि साइमन कमीशन को ऑल इंडिया में जो है उसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक का स्लोगन दिया गया. ठीक है राइट 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 मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर. ओके आई हैव गिवन यू द आंसर ना, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग मी. ओके ओके गाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. ज्योति तिवारी इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स. वेरी गुड बेटा वेरी गुड शाबाश. तो यहाँ पर क्या होता है जो हमारे SOSI होते हैं यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक पोस्ट थी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक पोस्ट बनाई गई थी ये 1857 के रिवोल्ट के बाद. ठीक है जब कंपनी का रूल खत्म हो गया था तो उस टाइम पे लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड हमारे SOSI हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. हिंदी में इसको क्या कहेंगे, भारत सचिव. जैसे 1919 में था ना, जैसे 1919 का एक्ट आया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है तो जो ये चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ये मोंटेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे. ठीक है और मोंटेग्यू कौन थे, SOSI थे. ठीक है तो इन दोनों की मिली भगत से जो एक्ट बना उसको क्या कहा गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहा, दोनों की मिली भगत से. राइट ठीक है तो इसको जो है ये वही लॉर्ड बर्केनहेड थे. तो लॉर्ड बर्केनहेड ने जब ये बात सुनी कि इंडियंस हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट साइमन कमीशन, ठीक है तो लॉर्ड बर्केनहेड ने हम इंडियंस की इंसल्ट करी, हमें चैलेंज किया कि इतना ही आप जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हो और आप इतने ही एक्सपर्ट हो तो मुझे आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं. राइट ड्राफ्ट बना के दिखा दो. तो लॉर्ड बर्केनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था जिसका रिजल्ट था नेहरू रिपोर्ट. तो इतना बढ़िया जो है हमारे जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे देश में हमारे देश का फर्स्ट ड्राफ्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट. पहली बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का जो है एफर्ट दिखाया था एक. राइट समझ आ रहा है आपको. ठीक है तो इंडियंस एक्सेप्टेड लॉर्ड बर्केनहेड्स चैलेंज, चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड ऑल इंडिया एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में एंड अपॉइंटेड ए सब कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन. और एक सब कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में कि आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिए. राइट अब यहां पर देखिए गाइस, दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस. उसके बाद तो हमने लिखा ही था जब 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और फिर जो है हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया. राइट तो ये एफर्ट पहला था जब हमने अपने देश के लिए अपने हाथ से, इससे पहले हमने कुछ भी लॉ नहीं बनाया था. तो ये पहली बार नेहरू रिपोर्ट की रेलिवेंस अपने आप में इतनी है कि ये पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था कि हमने अपने देश के लिए जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया. ठीक है और ये रिपोर्ट फाइनल हुई थी अगस्त 1928. रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, रिकमेंडेशन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है रिकमेंडेशन से
क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन इसकी किसी भी पॉइंट को उठाकर पूछ दिया जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि चूज द करेक्ट वन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेहरू रिपोर्ट और विच आर इंक्लूडेड, कि इनमें से बताइए कि कौन कौन सी नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ सारी की सारी रिकमेंडेशंस डिस्कस करूंगी सो दैट कि आपके पास एक अच्छा क्लियर विजन हो जाए। राइट गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। डोमिनियन स्टेटस का बेसिकली मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सेम भी आप अपना कर लो, हम अपना करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट अपने आप बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके का डोमिनियन स्टेटस। तो नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें काफी यंगर मिलिटेंट सेक्शन भी थे, है ना। उन्होंने कहा कि भाई डोमिनियन स्टेटस से क्या होगा, वी वॉन्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी पूर्ण स्वराज्य जिसे कहते हैं, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी ना मुस्लिम्स के लिए, जो 1909 में आई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर 19 में भी आई थी, उसको इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम ये बात नहीं मानेंगे। तो रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके बाद इन्होंने दे डिमांड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट, आप ज्वाइंट बना दीजिए जिसमें मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व रहेंगी, कहाँ कहाँ पर, सेंटर में, प्रोविंसेस पर, और जहां पर वो माइनॉरिटी हैं। ठीक है, जहां पर वो माइनॉरिटी में है उनको जो है आप रिजर्वेशन दे दीजिए, लेकिन आप उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दीजिए। देखिए, जो आज हमारे देश में आप जो रोज सुनते हैं ना, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज द आउटकम ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई भी ऑल्टरनेट इंडियंस के पास नहीं था। ठीक है, और वो था तो क्या था, रिजर्वेशन था। ठीक है, तो एक तरीके से एक ऑल्टरनेट के तौर पर जो है इसको लेके आए थे कि भाई सेपरेट से तो देश बट जाएगा, रिजर्वेशन से कम हमारे देश का ही पार्ट रहेंगे। तो समझ में आया आपको ये? तो लेट्स मूव। तो दो चीजें हो गई, एक डोमिनियन स्टेटस हो गया, फिर हमने दूसरी बात कर ली सेपरेट इलेक्टोरेट की, तीसरी हमने बात कर ली ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम की जिसमें रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है जिन एरियाज में मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, उन एरियाज में, जिन एरियाज के मुस्लिम्स, ठीक है, जैसे पंजाब में और जो है एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, तो वहां उनको देने की जरूरत नहीं है रिजर्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक दिस थिंग्स आर मच क्लियर टू यू। इसके बाद इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आप बनाइए। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो स्टेट्स आप बना रहे हैं, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, लिंग्विस्टिक यानी के कल्चर। ठीक है, इसके अलावा जो जिसपे और क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक पर भी क्वेश्चन आता है, इसको भी कई बार वो स्टेटमेंट में डालता है, 19 फंडामेंटल राइट्स जिसमें की बात की गई थी। 19 फंडामेंटल राइट में क्या क्या बात करी गई थी, इक्वल राइट्स फॉर विमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात की गई थी। तो 19 टोटल फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। देखिए, बहुत अच्छा ड्राफ्ट, आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कुछ इस तरीके से जो है शो करता है। राइट, मुझे बताइए व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, टेल मी व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इससे पहले जो हुआ करता था, हमने ये बात क्यों मांगी, क्योंकि लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करती थी,
फ्रेंचाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइज? राइट टू वोट, मताधिकार जिसे कहते हैं, राइट टू वोट, ठीक है। और जो ये वोट का राइट था, ये तीन ग्राउंड पर दिया जाता था, और वो कौन से ग्राउंड थे? एजुकेशन, प्रॉपर्टी और टैक्स, ठीक है। ये तीन ग्राउंड हुआ करते थे। जो हाईली एजुकेटेड है वो वोट दे सकता था, जिसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी है वो वोट डाल सकता था या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता था, या जो सरकार को टैक्स दे रहा है। तो ये वो तीन कैटेगरी के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था, जो क्या कहलाता था? लिमिटेड फ्रेंचाइज। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो भी इसी बेस पर चुनी गई थी, राइट। तो जो वोट दिया था वो सब ने नहीं दिया था, सिर्फ उन लोगों ने दिया था जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी, वो इसी बेस पर थी। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या सिफारिश कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दीजिए, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको जो है, सभी को जो है राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो आज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, यानी कि कोई एजुकेशन का रोल नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, टैक्स, केवल अडल्ट होना ही मत देने का अधिकार। जैसे आज हमारे देश में 18 इयर्स इज द बेसिस फॉर सफरेज। आज हमारे देश में हर कोई जो 18 इयर्स की एज गेन कर लेता, 18 साल का हो जाता, वो वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, ठीक है। तो इसकी जो है सिफारिश करी गई थी, आज ये भी हमने ऑप्ट किया हुआ है। इसके बाद जो है इन्होंने बोला कि फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है होनी चाहिए सेंटर में, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, यानी कि वो भी अपने हिसाब से सही काम करे, राइट, अपनी मर्जी से लॉ वगैरह बनाए। बिल्कुल ऋषभ ने बहुत सही जवाब दिया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करी गई। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है बताइए मुझे? हैविंग टू हाउसेस, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो बाई कैमरल हुई ना, उसी तरीके से ये भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी, ठीक है। और सेंटर और प्रोविंस के बीच में जो है पावर जो है क्लियर, उनके बीच क्लियरली डिवाइड होनी चाहिए, समझ आया। आगे बात करते हैं कि फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। देखिए यहाँ पर सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म की भी बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो होता है, ठीक है। सुष्मिता पांडे, टू हाउसेस, वेरी गुड। ऋषभ लिख रहे, इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन था उस टाइम पर जिसने सबसे पहले ये अपने पीपल को दिया, राइट। स्विट्जरलैंड में जानते हैं आप, 1971 में फीमेल को राइट टू वोट दिया गया, जिसको आज इतना डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार जानते हैं कब मिला था? 1971 में। आजालू लिख रहे हैं 18 है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, कब हुआ था? 1988 में। तो 89 से ये 21 साल से एज घटाकर जानते हैं कितनी कर दी थी? 18 इयर्स। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है गाइस, तो ये रिपोर्ट आई, जब ये रिपोर्ट आई तो हल्ला मच गया। तो इधर से जब हल्ला मचा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है अपने कुछ पॉइंट रखे, भाई हम भी कुछ बात कहने वाले हैं आपको, हमारी भी सुनो। तो
मोहम्मद अली जिन्ना, ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। इन्होंने भी अपने जो है 14 पॉइंट रखे कि हमें भी अपनी बात करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो इसने जो है अपने ये पॉइंट रखे थे, आप इनको पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट मैंने लिख दिया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स विद प्रोविंसेस, ठीक है। और आज रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास होती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है गाइस, बताइए मुझे, फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज फेडरलिज्म? देखिए, फेडरलिज्म बहुत इजी वे में समझिए आप, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन, या यूनिटरी भी आप कह सकते हैं। फेडरल में जहां पे गवर्नमेंट दो लेवल पर होती है, एक नेशनल लेवल पर और एक होती है स्टेट लेवल पर, राइट। जैसे इंडिया एक फेडरल है, सेमी फेडरल है, तो नेशनल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, ठीक है। हमारा तो तीसरे लेवल पर भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारे तो जो फेडरल है वो 3 लेवल पर है, राइट। अब यूनियन क्या होता है? यूनिटरी, यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी, इसका ऑपोजिट होता है यूनिटरी, जहां पर पावर का सेंटर केवल सेंटर ही होता है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट। जैसे चाइना इज अ यूनिटरी कंट्री, ओनली नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, होती है वहां पर भी, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? जैसे यूएस एक फेडरल कंट्री है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर डिसाइड होती है, यानी कि इनके बीच पावर्स क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं, राइट। तो इनके बीच पावर्स डिवाइडेड होती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन जो यूनिटरी होता है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर कहाँ से मिलती है? नेशनल गवर्नमेंट से मिलती है। तो फेडरल में, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट से पावर नहीं मिलती, बल्कि उसकी अपनी अलग पावर होती है, वो ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है वो नेशनल गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है। हाँ, राइट। प्रोविंशियल ऑटोनोमी मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट के एग्रीमेंट के बिना जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होना चाहिए। ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन विदाउट रिड्यूसिंग मुस्लिम मेजोरिटी ने प्रोविंस टू माइनॉरिटी और इक्वालिटी, है ना। तो भाई जो है कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ना हो, मतलब होना चाहिए, काफी सारा होना चाहिए। और उसके बाद एडुकेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सर्विसेज, मतलब जो आईसीएस उस टाइम पे हुआ करती थी, आईसीएस आज क्या है? आईएएस है। उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। तो उनमें उनमें जो है मुस्लिम्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगली बात रखी इन्होंने, 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यानी कि जैसे आज हमारी लोकसभा है, तो उसके 1/3 जो है मुस्लिम्स होने चाहिए। और उसके बाद सेंट्रल और स्टेट कैबिनेट में भी 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ये इन्होंने पैर भी करी। नो बिल टू बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर अगेंस्ट इट, ठीक है। तो कोई बिल पास नहीं होना चाहिए अगर माइनॉरिटीज को, तो मतलब एक तरीके से कुछ इसमें चीजें एकदम अब्रप्ट थी, ठीक है। उनका कोई जो है लेना देना ही नहीं था किसी भी चीज से। तो ये इस तरीके से जो है बलूचिस्तान, फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, तो ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी कम्युनिटी की ज्यादा बात करी है, तो आप जो है इसको एक बार रीड कर लेना गाइस, कुछ भी इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आई थिंक दीज आर वेरी इजी थिंग्स एंड यू कैन डू, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है बेटा, एक सोशलिस्ट कंट्री है।
तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पूर्ण स्वराज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिए, वेरी 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 यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको आप रट लो, आज से ही रट लो, ठीक है। इट वॉज अ हिस्टोरिकल इवेंट एंड आउटकम ऑफ लाहौर सेशन, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू उस सेशन के जो है प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज के इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था, ठीक है, ये उन्हीं का दिया हुआ कीवर्ड है। तो कांग्रेस यानी के दिसंबर में ये रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी रिवर थी, उसके तट पर जो है उसके कोस्ट पर किनारे पर जो है ये सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, ओके। तो इसके जो है डिसीजंस देखिए आप, तो कुछ अलग डिसीजन भी लिए गए थे इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने अलग कलर में यहाँ पर हाईलाइट किए हैं आप देख सकते हैं। तो मेजर डिसीजंस वर टेकन इन द लाहौर सेशन, फर्स्ट कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करेंगे, ये डिसीजन लिया गया था, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड एज द एम ऑफ कांग्रेस, यानी कि पूर्ण स्वराज जहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा हमारा, अब हमारा उद्देश्य हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जानते हैं हमें जो है इंडिपेंडेंस इतना लेट क्यों मिला 1947, क्योंकि देखिए 1929 में हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे, इससे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव जानते हो क्या हुआ करते थे, उनको पिटिशंस भेजते रहना ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, प्रे करते रहना ये दे दो वो दे दो, मतलब कभी ये मूवमेंट चला लिया, कभी कभी कोई मूवमेंट चला दिया, बस मूवमेंट ही चलाते रहते, और उस मूवमेंट का भी एक मोटिव नहीं होता था, विदाउट मोटिव भी कॉपरेशन नहीं करेंगे, भी कॉपरेशन नहीं करेंगे तो फिर मतलब आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली कांग्रेस ने अपना एक गोल डिसाइड नहीं किया था, ठीक है। तो कांग्रेस एक गोल डिसाइड नहीं करे तो गोल तो डिसाइड करे एटलीस्ट, ठीक है, तो गोल तो डिसाइड करे एटलीस्ट। तो यहाँ पर गोल डिसाइड किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है ऑथराइज कर दिया कि हम जो है एक मूवमेंट चलाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस होगा। देखिए ये पहली बार इंक्लूड हो रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट। यहाँ पर हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इससे पहले हम क्या करते थे, नॉन कॉपरेशन एंड बायकॉट, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कोर्ट्स में मत जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्हाट वी आर इंक्लूडिंग, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आस्क्ड टू रिजाइन। इससे पहले देखिए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग होगा। यहाँ पर देखिए आप, हम यहाँ पर कंप्लीटली सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है जब हम लॉस को का उल्लंघन कर रहे हैं, हम लॉस ब्रेक कर रहे हैं, हम लॉस ब्रेक करके ये बता रहे हैं कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू और योर लॉस, हम जो है आपको अब एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। पहले तो ये था कि आप कोर्ट में जाना छोड़ दीजिए, आप कॉपरेट मत कीजिए, लेकिन यहां पर क्या हो गया था, यहां पर हुआ था आप रिजाइन करेंगे, एकदम से कहां से लाएंगे इतना वर्कफोर्स, ये रिजाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 फिक्स्ड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, और रावी नदी पर जो है इसको झंडा फहराकर, हमारा ट्राई कलर को फहरा के जो है इसे हमने, ठीक है, सेलिब्रेट किया था। तो देखिए 26 जनवरी को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की, हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे आज से पूर्ण, क्योंकि क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल बनाया था, राइट। अब तब से लेकर 26 जनवरी को हम क्या मना रहे हैं, 26 जैन को जो है हम क्या मना रहे हैं, इसे जो है हम अपना रिपब्लिक डे मना रहे, क्योंकि अभी तो गया है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तो अभी गया ना 15 अगस्त, राइट। देखिए गाइस,
एक चीज मैं आपको यहाँ पर, ये देखो जहां से भी अब आगे का रास्ता निकलता है, जो ये सेशन होता है अब आगे का रास्ता निकलता है, ठीक है। अब आगे का रास्ता क्या निकलेगा? सर्वजीत गिरी विद्या दी, यहीं से जो है देखो प्रोग्राम बना दिए। और फिर यहाँ पर तीन चार जो ये बातें हुई थी भाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, तो यहीं से इंस्पिरेशन मिली गांधी जी को भी, ठीक है। अब गांधी जी को जब इंस्पिरेशन मिली तो गांधी जी ने क्या स्टेप लिया? ये वाला स्टेप लिया। गांधी जी ने क्या किया? अपनी 11 डिमांड्स बनाई गांधी जी ने, ठीक है। तो ये इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज जो सेशन था उससे इंस्पिरेशन ली, और गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी कि भाई जो है इंटॉक्सिकेंट्स और लिकर, यानी कि शराब और जितनी भी नशीली चीजें होती हैं, आप उस पर बैन लगाइए। सर्वजीत गिरी, हेलो मैम, आई जॉइन नाउ एंड आई एम कोमल फ्रॉम 10th क्लास। अरे वाह, आज का यंग जनरेशन कितना एडवांस है। क्लास 10th है और आईएएस की क्लास अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, आप तो फ्यूचर के हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली डिमांड क्या बनाई, दूसरी डिमांड चेंज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन रुपी एंड स्टर्लिंग। जो रुपी और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग पाउंड क्या था? इंग्लैंड की करेंसी है, रुपी हमारी, तो उसका जो एक्सचेंज रेशियो था ना वो बहुत ज्यादा था। जैसे आज जो है रुपी कितना है, 89, 88, 90 के बीच में रहता है, का एक स्टर्लिंग पाउंड होता है, 90 रुपीज का एक स्टर्लिंग पाउंड होता है। उस टाइम पे थाउजेंड्स के इक्वल हुआ करता था, मतलब हमारे रुपी की इतनी वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने इकोनॉमी को सही करने के लिए जो है यहाँ पर ये कंडीशन रखी थी। अगली जो कंडीशन थी कि आप लैंड रिवेन्यू को जो है, जो लैंड रिवेन्यू बहुत ज्यादा लगाते थे उसको कम करिए, सॉल्ट टैक्स को हटा दीजिए, ये मेन रीजन बनेगा गाइस। देखिए ये मैं आपको बताऊंगी, ये बेसिकली सॉल्ट टैक्स, ये सॉल्ट एक्ट लेकर आए थे एक, और ये बेसिकली था क्या, इसके लिए भी जो है डिमांड रखी। और दूसरी और नेक्स्ट डिमांड रखी, रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ये लोग मिलिट्री पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपेंस, और वो सारा का सारा किसे पे करना पड़ता था? इंडियंस को, ठीक है, हम लोग पे करते थे उसको। आप जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपेंडिचर को कम करिए, आप जो है फॉरेन क्लोथ पर कस्टम ड्यूटी इम्पोज करिए, ताकि जो है हमारे घरेलू जो हथकरघा जो इंडस्ट्रीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनको बूस्ट मिले, ठीक है। एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल, एबॉलिशन द सीआईडी डिपार्टमेंट। गांधी जी ने कहा कि जो सीआईडी डिपार्टमेंट होता है स्पाइंग, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए। एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं गाइस, जब ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को अरेस्ट करते थे या उनको सजा मिलती थी, तो जो प्रिजनर थे वो उनको, वो ना प्रिजनर्स को दो कैटेगरी में बांटते थे, एक होते थे पॉलिटिकल प्रिजनर और एक होते थे क्रिमिनल प्रिजनर। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर हुआ करते थे वो होते थे जैसे कोई मूवमेंट चल रहा है और जो है स्लोगन दे दिया भारत माता की जय है, या वंदे मातरम बोल दिया, या कोई भी पेट्रियोटिक फीलिंग से, या कुछ लिख दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया भी, अंग्रेज हमारे दुश्मन है, हमारे देश पर कब्जा कर लिया, ये चले जाएं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके का, मतलब कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो अरेस्ट कर लेते थे ब्रिटिश, तो वो क्या कहलाते थे? पॉलिटिकल।
क्रिमिनल उनको नाम देते थे जो इनको उड़ा देते थे, है ना, सीधा गोली ठोका इनको, राइट। जैसे भगत सिंह एंड कंपनी, हमारी जो भगत सिंह एंड कंपनी थी उनको ये क्या मानते थे, उनको ये क्रिमिनल मानते थे, ठीक है। ऐसा इनकी सोच थी क्योंकि इनको गोली मार दी थी, लेकिन हमारे भगत सिंह हमारे देशभक्त थे, शहीद हैं हमारे। इसके अलावा जो लास्ट डिमांड रखी, इश्यू लाइसेंस ऑफ आर्म्स टू सिटीजन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, सिटीजन को भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है आर्म्स के लाइसेंस दीजिए। लेकिन ये लाइसेंस नहीं देते थे, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये नहीं तो इनको डर रहता था कि अगर इंडियन सिटीजन को हमने लाइसेंस इश्यू करने शुरू कर दिए ना तो हम ही को मार डाल लेंगे ये, है ना। यस, गांधी इरविन पैक्ट इसी में साइन हुआ था, ये 11 डिमांड थी, अभी ये भेजी हैं, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 बाद में जाके होगा, अभी गांधी इरविन पैक्ट थोड़ी होगा, अभी तो ये भेजेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर देखना आगे कैसे मामला चलेगा, है कि नहीं है, ठीक है। आर यू एंजॉइंग, यस, इसी में साइन हुआ था। मेरे सारे वीडियो, प्रतीक रोशन सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप शॉर्ट आउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए गाइस, यहां से शुरू होता है हमारा सॉल्ट एक्ट। सॉल्ट मार्च, जिसको दांडी मार्च और साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। मेरे नाम से, माय नेम इज किरण, आप किरण बाय हिस्ट्री सर्च करेंगे यूट्यूब इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब भी कर ले, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हिस्ट्री बाय किरण मैम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। न्यू डेट्स है 4 अक्टूबर 2020 को आपका प्रीलिम्स होगा, मेरा भी होगा। और 2021 का एग्जाम होगा 26 जून को। तो देखिए, मार्च से अप्रैल 1930 गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलाया, जो किस नाम से जाना जाता है, साल्ट मार्च, दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, ठीक है। इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सत्याग्रह होता है ये, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। देखिए, इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए गांधी जी को किस चीज की जरूरत थी, सिविल डिसोबीडियंस करना था, यानी के लॉ ब्रेक करना था, लॉ ब्रेक करना था, और ऐसा लॉ ब्रेक करना था जिससे कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में कहते हैं इसको सोडियम क्लोराइड मूवमेंट, ओके। तो ये सोडियम क्लोराइड मूवमेंट भी है, राइट, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये लिटरली जो है पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बना नहीं रही हूं, मैं आपको बता रही हूं और पढ़ा रही हूं। थैंक यू सो मच संदेश, 24 में होगा आपका, यस। तो यहां पर देखिए, अब एक लॉ ब्रेक करना था, ठीक है, और लॉ ब्रेक करके यानी कि सिंबॉलिक तौर पर ब्रिटिशर्स को ये दिखाना था कि हम आपके बनाए हुए लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पर गांधी जी ने सॉल्ट को चुना था, सॉल्ट, ठीक है। तो एक साल्ट एक्ट था, इसको ब्रेक किया था गांधी जी ने, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब सॉल्ट को ही क्यों चुना, देखो आपने सुनी होगी एक बात कि हमारे देश में
सोल्ट का एक अपना कल्चरल इम्पोर्टेंस है कि नहीं है? कल्चरल इम्पोर्टेंस है ना, तो वो जो कल्चरल इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने सरदार मैंने आपका नमक खाया है ना, आपने ऐसा सुना होगा, अगर हम किसी का खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं तो नमक खा ले, तो नमक हमारे लिए एक कल्चरल जो है इम्पोर्टेंस रखता है ना, मतलब हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं नमक से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, नमक को चुना गांधी जी ने, ठीक है। ये मेरा सबसे फेवरेट मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और बहुत मजा आता है मुझे इसे पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, और सीरियसली आप देखना इसको, बहुत मजे से पढ़ेंगे, ओके, वी विल एंजॉय दिस, राइट। बेसिक नीड भी था, देखिए मैंने बनाया हुआ है, सॉल्ट वॉज अ कॉमोडिटी यूज्ड बाय ऑल पीपल ऑफ एवरी कम्युनिटी, ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ डेली फूड, है ना। बिना नमक के खाना खा लेंगे हम? बिना नमक का तो खाना खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा झगड़े तो बिना नमक के खाने से को लेकर होते हैं कि नहीं? हमारे घरों में 90% झगड़े क्यों होते हैं? या तो नमक कम होता है खाने में या ज्यादा होता है, तो नमक तो है ही झगड़े की जड़ ना, तो इसकी इस झगड़े जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पर देखिए नमक को इश्यू बनाया, बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स 1882 में इन्होंने क्या किया, एक कानून पास किया जो सॉल्ट एक्ट के नाम से था 1882 में, ठीक है। और जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट ने क्या डिसाइड किया, इस एक्ट से ये प्रोविजन बना दिया कि अब इंडियन नमक नहीं बना पाएंगे और नमक पर ब्रिटिश मोनोपोली हो गई, यानी कि अब केवल ब्रिटिश ही नमक बना सकते, ठीक है, अब केवल हम नमक बनाएंगे भाई, अब आप बिल्कुल भी नमक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियंस थे जिनका लाइवलीहुड चलता था नमक से, जो हमारे जितना भी आप देख रहे हैं ना, हमारे जितना भी कोस्टल स्टेट्स हैं, तो वहां पर नमक बनाया जाता था, क्योंकि इतनी फेवरेबल कंडीशंस है कि इवन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग उनका एक लाइवलीहुड था, तो वो पूरा का पूरा लाइवलीहुड उनका खत्म हो गया, है ना। और ये एक तरीके से इंसल्ट भी है ये, ठीक है। तो एक तो इंडियंस को मतलब बैन कर दिया गया कि आप नमक नहीं बना सकते, केवल हम बनाएंगे, यानी कि ब्रिटिश मोनोपोली, और दूसरा क्या कर दिया, नमक पर कर लगा दिया, सॉल्ट टैक्स ले आए, है ना, सॉल्ट टैक्स, मतलब नमक पर भी कर लगा दिया भाई, मतलब नमक को तो मतलब इतना महंगा हो गया था, क्यों लगा दिया था, और एक बना नहीं सकते, इंडियन बनाएंगे नहीं, अगर कोई भी इंडियन नमक बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था सॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। तो इस एक्ट को गांधी जी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का बेस बनाया और एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया था जो आप आज आप देख रहे हैं, राइट। तो देखिए, ये मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं कि भाई पहले वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अपनी जरूरत का नमक बना लेते थे, है ना, लेकिन इसने क्या कर दिया, ब्रिटिश को मोनोपोली दे दी, और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट टैक्स भी इम्पोज कर दिया, और वायलेशन ऑफ सॉल्ट एक्ट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस विद द सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ट्राई टू यूनाइट हिंदू बिकॉज द कॉज वॉज कॉमन, 8.2% ऑफ द सॉल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर द ब्रिटिश राज रिवेन्यू फ्रॉम द टैक्स, है ना, इतना टैक्स ये लोग लेते थे, समझ में आया। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने लॉन्च कर दिया, और जो इनकी 11 डिमांड्स जो इन्होंने भेजी थी उस टाइम पे, लॉर्ड इरविन वॉइसरॉय हुआ करते थे, उनको डिमांड भेजी, उन्होंने कोई बात नहीं करी, मिलने से भी मना कर दिया, तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च कर दिया, और इस मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की थी अपनी फेमस दांडी मार्च से, जिसे दांडी यात्रा के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो दांडी यात्रा शुरू होती है, ये शुरू हुई थी 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी,
और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई। ठीक है, गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से चले थे अपने 78 फॉलोवर्स को लेकर अपने साथ। ठीक है, जिसमें सभी रीजन के कास्ट क्रीड के मेंबर थे, और इनका अहमदाबाद में ये हेडक्वार्टर हुआ करता था साबरमती आश्रम। ठीक है, और ये गांव गांव होते हुए गुजरात हो, ठीक है, फिर ये अरेबियन सी दांडी गए थे, दांडी पहुंचे थे, अरेबियन सी, ठीक है, एक कोस्टल गांव है, वहां पर पहुंचे थे, 240 माइल्स सफर तय किया था। ठीक है, तो बताए 12 मार्च से लेकर जो है 24 दिन की जो है ये यात्रा थी, और इस 24 दिन की यात्रा में 340 किलोमीटर वॉक था ये, 240 माइल्स और 340 जो है किलोमीटर। अब दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह, जब ये वहां पहुंचे दांडी, तो इन्होंने वहां पर समुद्र के किनारे जाकर जो है वहां से एक मुट्ठी भर जो है नमक उठाया और कहा कि अब मैंने नमक बना दिया। ठीक है, इस घटना को, इस दांडी मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। सिर्फ नेशनल मीडिया ने ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था इस चीज को। ठीक है, तो और ये कंप्लीटली नॉन वायलेंट था, जहां जहां से भी ये हुजूम गुजर रहा था, जब एक ये मार्च जा रहा था, तो जिस जिस गांव से गुजरता तो जो है हजारों की संख्या में लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, और इस मार्च को एक ह्यूज पब्लिक सपोर्ट मिला था एंड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ठीक है, इसको जो है इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। समझ में आया? अब यहां पर देखिए गांधी जी का, अब देखिए जब गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह अपना दांडी मार्च निकाला था, तो जगह जगह पर इस तरीके के जो है मार्च निकाले गए, है ना। अब जगह जगह पर जब मार्च निकले, तो देखिए सी राज गोपालाचारी ने जो है क्या किया, तमिलनाडु में इस तरीके का मूवमेंट निकाला। ठीक है, जो कि और बंगाल में भी निकाले गए, आंध्रा में भी, और काफी जगह पर जो है इस तरीके के निकले। अब गवर्नमेंट का डिसीजन क्या था, Not arrest Gandhi for breaking the salt laws led to the formation of popular opinion that government was afraid of such movement. ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? पहले तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें जो है क्रिमिनल ऑफेंस होगा, हम आपको सजा देंगे, इस तरीके का जो है उन्होंने बोला। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, हो गई है वो। अब जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया 14 अप्रैल 1932 को, है ना, सॉल्ट लॉ के उसमें, तो मैसिव तो प्रोटेस्ट तो होना ही था, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, तो फाइनली जब प्रोटेस्ट हुआ, तो जो 11 मांगे मैंने आपको बताई थी, वो मानने से पहले मना कर दिया था, लेकिन अब गांधी इरविन पैक्ट जो है अब होता है। ठीक है, तो गांधी जी को बुलाते हैं इरविन जी कि आओ चलो साइन करते हैं चीजों को, अपना सेटल डाउन करते हैं, झगड़े खत्म करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ऑथराइज किया कि आप निगोशिएट करिए लॉर्ड इरविन से। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि ही वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन ट्रू स्पिरिट ऑफ असत्याग्रह, एक सत्याग्रही के तौर पर ही वो इस कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लॉर्ड इरविन के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें। ठीक है, अब जो है मार्च 5 मार्च 1931 की बात हो रही है, दांडी मार्च निकला था 1930 में, यहाँ पर ये अगले साल की बात हो रही है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1931 को जो है ये जो है एग्रीमेंट होता है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ठीक है, अब यहां पर देखिए इससे क्या हुआ कि चलिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है खत्म कर दीजिए और सॉल्ट मार्च को जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। अब यहां पर देखिए गांधी जी मान जाते हैं कि वो जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस होती है 1930 31 32, ठीक है, लेकिन फर्स्ट में नहीं गए थे। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये क्यों हुई थी, व्हाई द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड, क्यों हुई थी ये? फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931, ठीक है। तो इट वाज, देखिए ये अपने आप में एक ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा था जहां पर ब्रिटिशर्स और इंडियन से बराबरी के लेवल पर बात हो रही थी, ठीक। डेट याद करने की भी जरूरत नहीं होती है, डेट किसी को भी याद नहीं रहती, डेट सब भूल जाते हैं। आप हिस्ट्री में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पॉलिसी यूपीएससी के लिए सिर्फ ये ही जानने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जहां पर ब्रिटिश और इंडियंस एक बराबरी के लेवल पर जहां पर आकर इन्होंने बात करी थी। While the Congress and most business leaders boycotted the first RTC. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने कौन सी आरटीसी में जो है पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स एंड प्रिंसेस अटेंडेड इट, ठीक है, तो ये तो करेंगे ही अटेंड। तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कस हुआ लेकिन कांग्रेस के बिना कोई मीनिंग ही नहीं निकला, है ना। तो अंबेडकर ने भी यहाँ पर क्या डिमांड करी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एससी एंड एसटी, तो ये इसका रिजल्ट निकला। अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट, वाइस से पहले जो है जब फर्स्ट राउंड टेबल खत्म होगा तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। गांधी और जो इसके दूसरे मेंबर थे सीडब्ल्यूसी, वो रिलीज किए जाएंगे, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज कर दिए जाएंगे। अभी आप देखना, यहाँ पर एक चीज समझना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑथराइज किया कि जाइए आप जो है डिस्कशन कीजिए। तो गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, दिल्ली पैक्ट। इरविन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एग्रीड ऑन, ठीक है, तो केवल दो कंडीशन मानी। ये जो आउटकम है ना गाइस, इसको आप ध्यान रखना, जो गांधी जी ने अपनी 11 पॉइंट रखे थे ना, उन 11 पॉइंट में से दो बातें मानी गई, कौन सी, कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि हम जो है सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, बट नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। यहीं पर जो हमारी जो भगत सिंह एंड कंपनी थी, जो हमारी भगत सिंह एंड कंपनी थी, ये उस टाइम पे देखिए इनको फांसी होनी थी, ठीक है, मार्च में, कि इनको हम रिहा नहीं करेंगे, इनको रिहा नहीं करेंगे क्योंकि ये वायलेंस के कन्विक्टेड हैं, ठीक है। तो इनको रिहा, जब ये पैक्ट हुआ था तो मानने से मना कर दिया था। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं कि मैम गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई है, ठीक है, अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आज भगत सिंह हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, हमारे देश में है, और जब तक शायद ये दुनिया रहेगी भगत सिंह का नाम अमर रहेगा। जानते हो भगत सिंह अमर क्यों? क्योंकि अपनी शहादत की वजह से वो अमर है। और एक बात बताऊं आपको, बलिदानी की वजह से, फेमस होने के लिए, अमर होने के लिए बलिदान करना जरूरी होता है, और भगत सिंह एक आग था। भगत सिंह वॉज नॉट अ पर्सन, वो एक ऐसी आग बन चुका था कि उसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, ठीक है। क्या वो चाहता था, क्या वो ये मैसेज देना चाहता था हमारे देश को कि मुझे बचा लो, क्या वो प्रे कर रहा था कि मुझे बचा लो? नहीं, वो तो चाहता ही था कि मुझे फांसी हो। तो भगत सिंह एक आग था जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी,
उसे अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं था कि मुझे जिंदा रखा जाए, है ना, क्योंकि गांधी जी ने केस लड़ने से भी मना किया था। उसने भगत सिंह के पास मैसेज भिजवाया गांधी जी ने कि जो है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भगत सिंह को जब ये पता चला कि गांधी जी मुझसे मिलने आ रहे हैं, वो मेरा केस लड़ेंगे, तो और इनको ये बात बुलवाई कि आप ये बोल देना कोर्ट में कि हमने सॉन्डर्स को नहीं मारा, ठीक है। तो भगत सिंह ने इस बात को बोलने से एकदम मना कर दिया कि मैं कायर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि मैंने मारा है सॉन्डर्स को, हमने उसको गोली मारी है। तो भगत सिंह क्या था, एक खौफ था। और ब्रिटिशर्स क्यों छोड़ते भगत सिंह को, सबको ना मार देता फिर, ठीक है। तो भगत सिंह एंड कंपनी जो इसके साथी थे, तो उनकी शहादत की वजह से वो अमर है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना भगत सिंह को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, जो लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह बच जाते, शायद अगर भगत सिंह बच जाते तो आप में से और हम में से शायद कोई नाम भी नहीं पता होता हमें कि कोई भगत सिंह हमारे इतिहास में एक इतने बड़े पैट्रियोटिक, ऐसे ऐसे साहसिक जो है हमारे देश में, ऐसे ऐसा देशभक्त भी था, एक ऐसा आग था भगत सिंह, ठीक है। तो शायद हमें नाम भी नहीं पता होता भगत सिंह का, लेकिन आज हमारी जो है जुबान पर है भगत सिंह का नाम। तो वो क्यों है, सिर्फ उनकी कुर्बानी की वजह से है, ठीक है। तो ये कुर्बानी ही थी जिसकी वजह से, तो उनकी शहादत को गाली मत दो आप ये बात बोलकर कि भगत सिंह को जिंदगी प्यारी थी या गांधी जी की वजह से भगत सिंह बच जाते, ठीक है। तो जहां तक मैं मानती हूं, मुझे लगता है कि शायद भगत सिंह ने जो हमारे देश के लिए किया है ना, तो अच्छा ही किया है, राइट। और दूसरा जो फाइन है वो जो है माफ कर दिए जाए, ठीक है। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड इज नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनकी लैंड सीज कर ली थी, उनके घर जला दिए गए थे, तो उनको जो है उनकी लैंड दे दी जाएगी। और लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिन्होंने रिजाइन किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने रिजाइन कर दिए थे, उनको वापस लोग उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नॉट फॉर सेल, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो है। और राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, पिकेटिंग का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना, और विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टर्न डाउन कर दिया था, जो ये पैक्ट हुआ था वो गांधी जी की डिमांड थी। यहाँ पर वॉइस रॉय ने मना कर दिया था, ये दो डिमांड, एक तो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस और कॉम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस। यहाँ पर भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में भी कन्वर्ट करने के लिए जो है बोला गया था, लेकिन इसने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, वो तो है ही सन ऑफ इंडिया, क्या वो तो सन ऑफ एवरी इंडियन है, एवरी मदर। तो ठीक है, तो चलते हैं गाइस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। तो सेकंड राउंड टेबल, ठीक है, जब दिल्ली पैक्ट एग्री हो गया था, साइन हो गया था, तो लंदन में जो है दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल होता है, जिसमें महात्मा गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये सरोजनी नायडू के साथ आए थे, ठीक है, सरोजनी नायडू के साथ जो है ये आए थे। इनके साथ एक दो लोग और आना चाह रहे थे लंदन, जहाज में बैठ के आए और पहुंच गए लंदन। जो और भी लोग जो है इनके साथ आना चाह रहे थे, उनको अलाउ नहीं किया था, ठीक है। तो आ भी गए और जो है डिसअपॉइंटमेंट लेकर आए थे, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं जो है उनको मिला था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि इनकी डिमांड थी कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए था। रिजल्ट क्या निकला, 1932 में फिर से, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब पार्टिसिपेट किया, कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो जो है 1932 में वापस आकर, जो है 31 में जब ये वापस आए, तो सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट को जो है इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और जब शुरू किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया, ठीक है, और सरदार पटेल को, और जो है कांग्रेस पार्टी पर जो है बैन लगा दिया था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी पर बैन लगा।
ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1932 में हुई थी, ठीक है, तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने केवल सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। और जो है 33 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड ए वाइट पेपर विच बिकेम द बेसिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक वाइट पेपर इशू कर दिया। फाइनली 1934 गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, उसके बाद जो है अगले मूवमेंट की तैयारी होती है, और वो मूवमेंट क्या था, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, एक दो चीजें और देख लेते हैं गाइस। कॉम्यूनल अवार्ड आया था 1932 में, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑन 16 अगस्त 1932 इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया फॉर फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो यूरोपियंस एंड अनटचेबल्स। देखिए, अनटचेबल्स को भी नहीं बख्शा, है ना, कि एक अनटचेबल इलेक्शन यानी कि दलित जिनको कहते हैं, वो केवल अनटचेबल, केवल अनटचेबल को ही वोट दे सकते हैं। तो ये बात जब गांधी जी जेल में थे, तो ये बात जो है गांधी जी को पता चली, ही वॉज इन यरवदा जेल, ठीक है, तो वो यरवदा जेल में थे और इन्होंने यहाँ पर फास्ट ऑन टू डेथ किया था इसको अपोज करने के लिए। फास्ट ऑन टू डेथ यानी कि एक आमरण अनशन जिसको कहते हैं, यानी कि तब तक फास्ट करो जब तक डिमांड पूरी ना हो जाए। तो यहाँ पर एक आमरण अनशन यरवदा जेल में किया था, और इस आमरण अनशन को तुड़वाने के लिए एक पूना पैक्ट हुआ था। देखिए, पूना पैक्ट हुआ, ये देखिए कब आया, ये अगस्त में आया, 16 अगस्त को, और देखिए सितंबर, 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट साइन होता है। गाइज, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा बेटा, पूना पैक्ट क्या है, और जो है गांधी इरविन पैक्ट क्या, दिल्ली पैक्ट क्या, इनको सिरे से भी जो है एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जो है आप सीख सकते हैं। समझ में आया? तो पूना पैक्ट बेसिकली ये क्या था, ये जब कॉम्यूनल अवार्ड आया था, जब अनटचेबल्स को भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया था, तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक फिर एक पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें अंबेडकर और महात्मा गांधी, ठीक है, यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ करती थी, वहां पर जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इस एग्रीमेंट से जो है गवर्नमेंट को जो है भी उसमें अमेंडमेंट करिए आप, ये अमेंडमेंट जो है करवा दिया गया था। और अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया था, और डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट्स रिजर्वेशन हो गई थी, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए 71 से 147 सीट्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और 18% ऑफ टोटल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उनके लिए तो रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट के एक आउटकम के रूप में जो है ये आया था, ठीक है। तो नाइस गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू मस्ट एंजॉय दिस सेशन, सो यू जस्ट स्माइल एंड स्माइल, सो स्टडी विद स्माइल, ओनली देन यू विल गेट ए पॉजिटिव रिजल्ट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी। सो अगेन गाइज, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट बाई यूजिंग किरण वन कोड। दिस इज माई कॉन्टेक्ट, यू कैन जो है लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए, और जो है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, राइट? सो कल फिर से मिलेंगे गाइज, जो बचा हुआ पूना पैक्ट से आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और 22 अगस्त से, ठीक है, 22 अगस्त से, 22 अगस्त से मैं आपके लिए प्रिलिम्स स्पेशल सेशन लेके आऊंगी, ठीक है। एक प्रिलिम्स स्पेशल सेशन होगा जिसमें मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की 3 क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है, तो उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, ठीक है। सो इसको आप अटेंड करिएगा सैटरडे को, राइट?
सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. बी स्माइल, स्टडी विद स्माइल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.